ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੀ ਮੌੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਲਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਲਾ आज भी 2000 लोग रहते हैं। वो लोग कितने साल पुराना किला है? 765 साल पुराना। अच्छा, किस राज्य का किला है? राजा जैसलदेव का किला है। अच्छा, किले को कहते हैं गोल्डन सोनार किला। गोल्डन सोनार, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि येलो स्टोन निकल का माइंस यहाँ पे येलो स्टोन का है। जब भी सूर्य उदय होगा सभी सारे पत्थरों का बने, सब पत्थर पिया, कोई सीमेंट चूना पानी कुछ नहीं, कोई आरसीसी का बिल्डिंग बना इसके अंदर। अच्छा, सीमेंट या चूना नहीं लगा? देखो सीमेंट तो पत्थर किस चीज के साथ? आपके ज्ञान के बारे में बता दूं, सीमेंट 18 सेंचुरी में आई है, पहले सीमेंट थी भी नहीं। ये पूरा रेगिस्तान है, पानी की किल्लत थी, मकान बनाने दुर्गो कहाँ से बना दी, पत्थर को पत्थर में लॉक कर देते हैं। अच्छा, इंटरलॉक की तरह है पत्थर? इंटरलॉक कुछ नहीं सिस्टम होता है, ये इतना सा पत्थर है, ये इतना बड़ा पत्थर है, लेकिन ये इतना नहीं है, ये भी इतना बड़ा ही है, इसको पीछे धकेल दिया पत्थर को, ऊपर वाले को दबा दिया, इसको बोलते हैं लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, एक पत्थर में दो लॉक मार दी, एक लॉक निकलेगा दूसरा लॉक निकलेगा नहीं। ठीक है, फोर्ट ने तीन तो भूकंप देख लिए बैठ के, आज तक किले का कुछ बिगड़ा नहीं। आ दिखाएं सारे, एक बार सारा दिखा दे। सनगेट बोलते हैं, सनगेट का मतलब सूरज प्रोट, जब भी जैसलमेर में सूर्य उदय होगा पहली किरण आदि फोर्ट में पड़ेगी। अच्छा, जब भी सूर्य चढ़ेगा हमेशा इधर से उदय होता है, इधर से चढ़ने वाली साइड पैदल। हिंदी में बोलते हैं बड़े गेट को पानी प्रोट, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। गेट भी बड़े पुराने हैं। ਉਸ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਵਿਲਡ ਗੇਟ, ਹਵਾ ਫਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਰਮੀ ਹੋ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਜਹਾਂ ਸੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰੇਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਚੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਲੌਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसको बोलते हैं दशहरा फेस्टिवल, जो पुराने जमाने में राजा दशहरा जो फेस्टिवल बैठ के बनाते थे, व्हाइट चेयर पे राजा, अच्छा, बैक साइड में रॉयल फैमिली, ठीक है, छोटी छोटी चेयर है, संतरी मंत्री और दीवान। पुराने जमाने में भैंसे की बलि दी जाती, माता जी के मंदिर चामुंडा देवी का सर देख लो,
वैसे की बलि जहाँ दी जाती है चामुंडा देवी का टेंपल। वैसे की बलि कहाँ देते थे? माता जी के मंदिर के सामने इस मंदिर में जहाँ पे ठीक है ना एंट्री लेंगे फिर घूमना है नहीं, वो वहाँ पे राजा का राजा वहाँ पे बैक साइड में उनका परिवार रॉयल फैमिली बोलते हैं उसको। इतनी छोटी छोटी देखी ना जागी डालो कल राहरी बिल्डिंग देखे चल विकेंद्र समझ आ रही है महाराज का महल आ गया लकड़ा है ना बाले लकड़ी छत का रीजन होता है ज्यादा सर्दी होगी तो रूम को गर्म कर देगी ज्यादा गर्मी खेजर का लकड़ी छत्ता लकड़ दी अच्छा है अरे जिलो ये लोगो है यूट्यूबर है पंजाबी सारी वीडियो चली गई आप सब बना रहे तो हमारे स्टेट का सिंबल है ये जो हमारे राजा है यदुवंती है यदुवंशी है कृष्ण भगवान के वंशज है। अच्छा पीछे लगाते हैं भाटी की बोलते इसको जरोका हाँ सही गल मीनाकारी बहुत तकड़ी की हुई है ना दरवाजे छोटे हैं घर बचा के चलना छोटे दरवाजे का मतलब रीजन होता है सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से देखो इंटरलॉक इसको बोलते हैं पत्थर के दो टुकड़े हो गए अपनी जगह फंस गए रहेंगे सही गल है कौन सी करना है कैमल स्टैंड का कोर्ट पे रख के चला या जमीन पे रख के चला ठीक है ना बंदूक अलग होता है स्टैंड अलग होती है काठमांडू में उनके दहेज का सामान है नेपाल दे की चीज भाई है राजकुमारी से शादी की हुआ काठमांडू राजकुमारी से शादी या किता ही राजे ने राजकुमारी से शादी की है दहेज का सामान है। अच्छा बोलते खुकरी ठीक पुराने जमाने के भाले देख लो इंसान कभी भाले से नहीं मरता इसके आगे जो पॉइजन लगा था उससे बैठ के मरता था ठीक है ना तीन भाले है ऊपर वाले रात में काम आते हैं तीन भाले दिन में काम आते हैं वो 12 अवर्स के और 24 अवर्स के जिन्नी भी छत है सारी लकड़ दी है वैसे ऊपर मारे हुए मिट्टी मारी हुई है ऊपर पोचा जा देखो माने मई जून जुलाई के महीने आते ना टेम्परेचर 50 डिग्री करीब चलता है तो लाइट थी नहीं पंखे थे नहीं तो आदमी को रहना तो है महल के अंदर जब रहता था बड़ा किला पत्थर का किला बड़ा से तो छत भी पत्थर के पहले बना था ये बैठ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो रूम को गर्म कर देगी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो रूम को ठंडा कर देगी ठीक है ना ये देख लो हम बोलते कुटिया बोलते हो छड़ी जिसमें बुढ़े लोग हथियार लेके साथ में चलते हैं 24 घंटा हाँ ये बीच में जो तलवार दिख रही है ना उसको बोलते दो धारी तलवार ये मुगल ज्यादा यूज में लेते थे इसके दोनों तरफ पहना होता अपनी तलवार ये है जो युद्ध में काम आती है ये तलवार पशु बलि में काम नहीं आती पशु बलि का तलवार का वेट ज्यादा होता पहना बड़ा होता उसका ठीक है ना केंद्र आप पता छात्रा लगी है ने बोलते हैं टोपीदार बंदूक एक खाओ तो सुनिए किसी के कंधे पे रखी बंदूक कैसे चलाते हैं दूसरे के बंदूक है अच्छा ये है दूसरे के कंधे पे रख के बैठेगा दूसरा पीछे बैठेगा आगे वाला निशाना साधेगा पीछे वाला फिर फायर करेगा ऐसे उठा के चला दी निकालनी इधर निकल इधर जाएगी बंदूक सही गल है आओ बंदूक है कहना जिड़ी कहना दूसरे के कंधे पे रख के चलाओ आप कहावत है ਹਾਂ
ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੰਧਾ ਹੈ। जिंदा भी का मतलब मर जाए तो का मरता, जिंदा का मतलब पानी ढोने में, खेती में और सफर करने में। मर गया तो उसका चमड़ा निकाल दो, बेल्ट बनाओ, पर्स बनाओ, फिर भी लोगों को सुकून नहीं मिला, उसको हड्डी को यूज में ले लिया। मजबूत है कैमल, हड्डी उसकी एकदम सॉफ्ट होती है, उसको गिरा के एकदम पाउडर बना के हड्डी की हल्का कंगन बना दिया, छोटी छोटी प्रतिमा बना दी, कैमल मोहन के डंडे बना दिए। रण में जाओगे ऊंट की नाक में लगी होती है घोड़ी, जैसे गाड़ी का स्टैंड कैसे होता है, इधर घुमाओ गाड़ी, इधर इधर घूम जाए, तीर कमान नहीं है, पांच ये धनुष बाण। देखो एक होता है तीर कमान, एक होता है धनुष बाण। तीर कमान सीने में वार करता है, धनुष बाण गला काट के निकल जाता है। धनुष बाण से आप चाहो तो तीन तीर एक साथ छोड़ सकती है। मुझे आई थी बाहुबली, देखी थी किसी ने, इसमें राजकुमारी तीन तीर छोड़ती है, धनुष बाण था, तीर कमान नहीं था। अच्छा हाँ चीज है आ कट लेते हैं ना गर्दन। एक ही है ये गन पाउडर का कुप्पी है, बारूद का, और काम करता माइंस का, जमीन में गाड़ के रख दो, हाथी घोड़े का पैर आए तो ब्लास्ट हो जाए। माइंस कैसे होती है ब्लास्ट? हाँ 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 हाँ, ये वो चीज है, काले कलर का दिख रहा है ना। हाँ ये अफीम का कुप्पी है, अफीम मतलब ओपियम, आपके पास चलता होगा अफीम, पंजाब में नहीं चलता, सब काले कलर का था ना, चलता चलता एनर्जी में काम आता है। खाने के लिए काम आता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें डाल के रख लेते हैं। ये जो मशीन निकला ना छोटा सा, ये हमारे स्टेट में पुराने जमाने में सिक्के छपते थे, इससे तब मालूम पड़ता है जैसलमेर के रियासत का सिक्का कौन सा, इसको अफीम से भर के रख लेते हैं, इसमें अफीम भर के रखते हैं, मशीन से सिक्के छपते। अफीम वाली शीशी नागड़ी पा के रख दें, आ मशीन है छोटी जी, ये जैसलमेर के जो सिक्के है वो इधर ये मशीन ना बनते थे। ओ, पानी स्टोर करते थे, मैं करो स्टोर पानी स्टोर करते थे। प्रभात जी आपके ज्ञान की बात है, आप कोई भी फोर्ट घूमने जाओगे उसके दो पार्ट हमेशा होते हैं, एक होता है दीवाने खास, एक होता है दीवाने आम। दीवाने खास होता है रॉयल फैमिली के लिए, पंडित लोग गेस्ट लोग रूम में जा, बाकी रूम में कोई नहीं जाता। ये दीवाने खास रूम है, इसमें राजा का राज सिंहासन, आइए। अच्छा हमेशा इस पे आके नहीं बैठता है, कोई बड़ा फंक्शन होगा आके बैठेगा, या फिर रात लग रही तब आके बैठता है। देखो इस पे एक तलवार रखा हुआ है सिंहासन के ऊपर, इसका रीजन है कर्ण राजा जिंदा है, सिंहासन कभी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है। पीछे अम्ब्रेला छाता है तो कपड़े का, ऊपर सोने का वर्क किया हुआ, डंडा पूरा उसका गोल्डन का। अभी जो हमारे राजा नए राजा बने उनका ब्रात लग यहाँ पे किया गया पहले, फिर पब्लिक को दिखाने के लिए जो व्हाइट चेयर दिखाया था ना वहां ले जाकर बिठाया, बाहर वाला। फिर भी लोग इकट्ठा होकर अंदर नहीं आ पाए जो किले में लोग, राजा को घोड़े पे बिठाया, इनके नीचे और महल है वहां लेके। अभी जो राजा हमारे ऑफ हो गए 2020 में, 14 साल की उम्र के वो राजा बने थे, 13 मार्च 1982 राजा के बचपन की तस्वीर, जो भी ऑफ हो गए 52 साल की उम्र, 1982 बढ़े थे इनका रात लग। अभी जो रात लग 2021 में जो अच्छा, 2015 जनवरी को अच्छा, उनके अच्छा, फादर जो भी ऑफ हो गए 52 ईयर्स के। अच्छा अच्छा, ऐसा याद है क्या, कोई काम नहीं। हम इसको बोलते हैं रणभेरी, रणभेरी का मतलब होता है मैसेज स्टेशन, संदेश देना। पुराने जमाने में यहाँ पे बड़े बड़े नगाड़े रहते तो सैनिक खड़े रहते थे, जब दूर से दुश्मन देखे नगाड़े बजाए फोर्ट की सेना अलर्ट हो जाए। ये देखो सिटी का व्यू दिखेगा, ये बनी 1722 में, जो मैंने आपको बताया ना पहले, खाली यहाँ पहाड़ियाँ थी, अभी शहर पूरा देखेंगे, शहर बाद में बसा है। ये क्या है अच्छा गोले और बाकी इन चला दें अच्छा, इसका मुंह छोटा सीधी का व्यू है, ऊपर व्यू पूरा देखने को मिलेगा।
यूपी जो हमारे राजा है पाजी, ये 44 जनरेशन चल रही राजाओं की। अभी हमारे पहला राजा था जैसल देव, जिसने इस फोर्ट को बनाया। अच्छा, अभी राजा है जिसका नाम है चैतन्य राज सिंह, ये पूरे इनके वंशज है। राजा है सब साथ में ले जाना, पढ़ाई करते राजा के सारे हमारे यहाँ कहते हैं महाराज। जयपुर बीकानेर दिल्ली जाओगे वहाँ कहते हैं महाराजा, उदयपुर चित्तौड़ जाओगे वहाँ कहते हैं महाराणा। 43 जनरेशन ऑफ हो गई, वो 44 जनरेशन है अभी जो राजा नया बना। 44 नंबर कौन सा काम है? फुलधरा। अच्छा, रास्ते में आएगा भूतों का, उसकी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है इसके अंदर। आपको देख के बाहर आनी है, फोटोग्राफी करनी है, ठीक है? राजा और रानियाँ और दासियाँ, यहाँ पे पुराने जमाने में राजा और रानियाँ और दासियाँ बैठ के पर्दे में होली फंक्शन सेलिब्रेट करते थे, ठीक है? रानी खुले में होली नहीं खेल सकती। मैं समझ रहा हूँ, इसके अंदर गाँव है प्राचीन, मतलब ना कुंदरा गाँव, अंदर चले जाओ राइट में उसकी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई, देख के बाहर आ जाओ यहाँ बैठ कर। चलो जी, मूर्ति कक्ष देख आओ। इधर बाद में चलेंगे शीशे के, अभी यहाँ पे राजा का महल है, खत्म हो जाएगा। करते पत्थरों करके रंग देख लो एक ही है सारा, है ना? इधर दिखाई मेरे कितने इको जहा रंग ही देख जमा ना सारा। ज्यादातर देख दी नहीं है चादर, है ना, पीदियाँ। कल तो बाला पे इधर जरा, है ना, इधर तो अब जो किला किसके अंडर है, सरकार के अंडर है, राजा के अंडर? राजा के अंडर में, राजा के अंडर उसका ये महल, राजा के अंदर कला महल है, बाकी राजा ने विरासत में लोगों के पास पड़े हैं मुसलमान इनके कब्जे में। राजा के अंदर तो महल है जैसे। राजा अब कहाँ रहता है? आपने पैसा दिया वो राजा के घर गया, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना। अच्छा, जो पर्ची कटाई है वो राजा की, कोई टैक्स वैक्स नहीं देना इनको,
क्योंकि लोगों ने इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रस्ट में कभी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, राजा आप आते हैं जहाँ पे? राजा की महल और दिखाऊँ, होटल है, महल है, राजा राजा है। ब्रिजेंद्र सिंह लेके जा रहे हैं, राजा का महल है मंदिर पहले। अच्छा, होटल है, रेस्टोरेंट है, म्यूजियम पहले बाहर रहते हैं राजा? हाँ, नहीं वहाँ नहीं रहते, अभी जो एक्सपायर हो गए ना वो वहाँ रहता है। ब्रिजेंद्र सिंह, ठीक है, जैसे एक्सपायर हुआ उसका लड़का लास्ट राजा पंडा हमारे यहाँ पे वहाँ यूट्यूब पे देख लेना आपको बता देगा। हमारे यहाँ पे दो तरह के पत्थर निकलते हैं, सी फॉसिल और वुड फॉसिल। सी फॉसिल होता है समुद्र के जीव जंतुओं से निकला हुआ पत्थर। अच्छा, वो क्या काम करता है, उसमें रात में पानी करो आप सुबह पियो, अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर, हार्ट है, बीपी, पाइंट की परेशानी है, उसका 6 महीना 7 महीना पानी पियो, बीमारी गोली बंद हो जाएगी, पानी ताकि मुर पीना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को ब्लड में कोई भी परेशानी है तो ब्लड को फिल्टर करेगा ग्लास के पानी। कौन सा पत्थर इसी फोर्स लाता है? बैक्टीरिया, हाबुल स्टोन बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरा यहाँ करता है सैंड स्टोन, ये पीला पत्थर, ये कोई बड़ा काम नहीं करता, ये काम करता है दही जमाने, घर में दही जमाते हैं, पतला हो जाता है, पानी आता है, इसके बॉल्स में दही जमा दो तो एक्स्ट्रा पानी हुआ कटोर खींच लेगा, खींच लेगा, नहीं पूरा हार्ड हो जाएगा, पनीर का आप लोग काट के खा सकते हैं। पत्थर को आप गैस पे चढ़ाओगे, पहला पत्थर दुनिया में जो फटेगा नहीं, कभी पहले सब्जियां चटनियां सब इसी पत्थरों में बनती है, तो स्टील को खोलो, ये आपको देखना समझना था, मेरे को बता देना, मैं आपको शॉप दिखा दूँगा। गवर्नमेंट शॉप रोडों पर मिलता है, वो तो उठाने मत, गलती कर भी बीमारी हटे नहीं, बीमार जरूर पड़े, समझ गए, ठीक है ना। ये राजा के अंदर बाकी लोगों के पास मकान जो भी होटल रेस्टोरेंट ये फिलहाल वो नीचे वाला भाग है ना, तो ये इसकी आबादी बिल्कुल कम है, लेकिन खेत पर बड़ा है, ये बस जैसलमेर रहता ही है, देखो पूरा सबसे आई संडायल सूर्य से चलने वाली घड़ी। अच्छा, क्या सिस्टम था, लोगों ने टूट स्टोन तोड़ दिया इसको, बहुत बढ़िया चीज बनी, इसमें लकड़ी का एक डंडा रहता है, हाँ। गोल गोल ऊपर उसके ऊपर एक पतली सी लोहे की पत्ती रख देती है। अच्छा, पर वो नहीं घूमता है, जैसे सूर्य घूमेगा तो छाया पड़ेगी, छाया पड़ेगी, वो जहाँ पे टाइम का पता लगता है, टाइम का पता लगता है, ये कंपास है, मौसम विभाग है, हवा पे मालूम पड़ता है कि वेदर कैसा रहेगा, जहाँ पे कैसे हो कैसे पता लगता है वेदर का, उत्तरी हवाएं चली तो मौसम ठंडा रहेगा, सुलक रहेगा, बारिश की संभावना रहती है। इसके ऊपर क्या लगा होता है? वही सेम वही सिस्टम होता सेम, है घूमता रहता है। क्या बात है, एक कंपास, कंपास भाई की भाई दे कंपास, कंपास ये घड़ी है, सूरज की जी रोशनी है वो मुताबिक ही पता लगता टाइम का, टाइम हो गया लिखा भी होगा सारा, सर देखी चोट दूध लिखे राजे का कमीज बोला बड़ा है ना, 7.5 फुट का पाबी जी का ड्रेस है, देखो जिनकी 7.5 फुट आई थी, हाँ 7.5 फुट आई थी, 250 किलो वजन था, अभी तक जो खड़े थे ना नीचे 250 किलो वजन राजा का, और ये चांदी की शोभे मेहमान बैठे थे, और पहले राजा को बिस्तर राजा का शादीशुदा होते, पति की लंबी उम्र, अच्छी संतान प्राप्त,
सवारी करने फास्ट ट्रैक में वर्षा पति मिले ये पार्वती का अवतार पार्वती की शिव जी की पार्वती होती ना पार्वती की गणगौर है हमारी। अच्छा पुराने जमाने में हाथी घोड़े थे जब ऐसा फेस्टिवल मनाते थे हाथी तो बच्चे नहीं खाते घोड़े बच्चे काम धंधा तो था नहीं वो माने का रूम है सामने वाला ये रानी का कमरा है वो महारानी का लिखा हुआ स्पष्ट ये रानी का ये रानी का वो महारानी का महारानी का हवा के लिए विंडो है रोशनी के लिए विंडो है बैठ के आप चौपट पास गेम करो टाइम पास करो ठीक है ना। ये जो दृश्य दिख रही है यहाँ पे जो राजपूत कास्ट रहती है गाँव में लड़ी उनकी ड्रेस है वो कुर्ता पायजामा निहान गैस लोग पहनते हैं ग्रामीण लोग। इधर तो है नहीं कुछ वैसे ना बाहर गए आप ये सारे कमरे दासियों के यहाँ पे रानी तैयार होने आती थी इसको बोलते हैं रूप महल। अच्छा रूप महल लिखा ही पे है इधर मैं आप बना लग गया मैं भी आ गया हमारे राजा का महल जहाँ पे भी जो राजा ऑफ हो गए ना वो यहाँ पे रहते थे इसको बोलते मिंदर पैलेस इसको बना दिया होटल म्यूजियम और रेस्टोरेंट वो जो ऊपर से दिखाया था हनुमान सर्कल पे है ये महल छोड़ के इस महल में आ गए इसको नीचे बोलते हैं जवाहर निवास पैलेस। ये यहाँ का हवेली है ये पटेलों का हवेली है सालम सिंह का हवेली दीवान का जे वाली फोटो इसी किले की है क्या है ये यहाँ का शमशान भूमि है राजाओं का। ठीक है ये जो छतरियाँ दिख रही है ये राजा का लड़का नहीं बना राजा का पोता बनाएगा। अच्छा राजे का लड़का नहीं बनाऊंगा राजे का बना के चलाएगा राजे का पोता बनाऊंगा पोता बनाएगा शादी होने के बाद में शादी होने के बाद पहले नहीं पहले। अच्छा ओके ये पटवा गांव लोग को दिखा जाइए एक करंसी देख लो हमारे यहां पुराने जमाने में एक करंसी इसको दिया जैसलमेर की करंसी मिंदर पैलेस के राजा के महल के अंदर का पार्ट इसको बोलते दरी खाना त्यौहार आता है अक्षय तृतीय जिसमें राजा पूरे से मिलता है बैठ के उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देता है। ये महल के बाहर का पार्ट ये पूर्ण खत्म ब्लेड होता है हाथ से उसमें ब्लेड निकाल के उसके राष्ट्रपति के नाम लिख दिया हेयर के उत्तराखंड बाल के पर बाल के इसके बाद तीन ऐसी रिंगे हैं जिसपे दुनिया के सात मोनोमेंट सात भगवान की तस्वीरें बनी हुई है एक चावल के दाने के ऊपर राम की चौपाई है लिखी गुंती सब से लिखी दिखा सकते हैं आपको आया था आराम से आराम से ये लोग सब हैंड वर्किंग करते हैं चांदी है सस्ता लेकिन हाथ की कीमत कीमत महंगा हो जाता है मैं समझ गया आठ का पैसा है उसका पैसा आपको बॉल से ना तो गुलाब के बारे में बताया राजा रानी का महल आएगा दीवाने का दोनों का 250